बिहार से हूँ, गाली दे के बताऊं भोजपुरी में कैसे पता चला है तो वो चीज रहता है। बाकी फिर जब मतलब बिहारी मतलब गाली, मतलब गाली देंगे तभी हम कहलाए कि हम बिहारी। हाँ, आईडी पे स्ट्राइक आया था जिसकी वजह से वो पूरा रुक गया था। उस टाइम पे मैं लिपसिंग करता था, बट ये हुआ कि उस टाइम मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ कि हाँ, मतलब होता ना कि जितने फॉलोअर्स है उसमें से कम हो रहे हैं। आजकल सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में एक ही नाम चल रहा है, रॉकी शर्मा, रॉकी शर्मा, रॉकी शर्मा। मतलब सिर्फ, मतलब मैं देख रही हूँ अपने घर में भी बूढ़े बच्चे हर एज ग्रुप के लोग जो हैं आपकी वीडियोस को काफी पसंद कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा ये लग रहा है कि बूढ़े जो लोग है या बच्चे है वो पसंद कर रहे हैं। बिहार में लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अगर आप लीक से हटकर कुछ करोगे तो आपको पगला घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रीम है पढ़ाई का या पढ़ के, वो भी सरकारी नौकरी। प्राइवेट भी करोगे ना तो आपको वो इज्जत और तवज्जो नहीं दी जाती है। तो एक माइंडसेट सेट हो गया लोगों का। तो जब आप क्रिएशन करने लगे एक इंजीनियरिंग के जॉब को छोड़ के, तो आप कभी पगला घोषित हुए अपने घर में? जो आप बोल रहे हो ना कि एक गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा, तो हमारे इधर हर जगह ऑलमोस्ट मुझे लगता है बिहार यूपी का ये एक है कि अगर आप एक लाइक प्यून हो, आपकी सैलरी चाहे 10,000 हो, 8,000 हो, डजंट मैटर, और वहां पे एक इंजीनियर है जो लाख रुपए की सैलरी उठा रहा है, अगर दोनों आएंगे ना तो ऑब्वियसली इज्जत उसको मिलेगा ज्यादा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो। तो वो थोड़ा सा एक मेंटेलिटी है, पता नहीं क्या है नहीं है, समझ नहीं आता। बाकी रही बात जॉब की, तो मेरा जो जॉब चल रहा था घर से, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो जिनको नहीं पता है वर्क फ्रॉम होम, सबको नहीं पता है, क्योंकि सबके घर में इंजीनियर ही नहीं है, नॉर्मल जिसके यहाँ नहीं है उनको नहीं पता। तो हम लोग करीब उस टाइम पे 4-5 लड़के ऐसे थे जो कि घर से काम कर रहे थे, बाकी जो भी जहाँ पे थे वहीं से काम कर रहे थे। तो ऐसा बोला जाता था कि ये लोग का जॉब खत्म हो गया, कोरोना में जॉब खत्म हो गया, ये लोग घर बैठे हुए लैपटॉप लेके ऐसा घर पे बैठ के काम करने से कोई पैसा दे देगा, तो लाख लाख रुपए, मजाक चल रहा है ऐसा, मतलब बोलते थे लोग। बट हाँ, अब सब चीज सुन के लोगे तो, मतलब हम लोग सुन के हंसते थे कि हाँ चलिए अच्छी बात है। फिर ये जो चीज है इसको तो ऑब्वियसली सब लोग ऐसे ही बोलता है, यार फालतू का टाइम पास कर रहा है, फालतू गिरी, क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में जिनको नहीं पता, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से, नहीं पता उनको कि इसमें क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसमें क्या कर सकता है, कहाँ से कहाँ लोग जा सकता है। तो जब उनको लोग अब बताने लगा ना कि हाँ ये बहुत अच्छा चीज है या कर रहा है, जैसे उनके एज ग्रुप के लोग जिनको नॉलेज है, तो वो लोग जब उनको बता रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे जगह पे जा रहा है, क्योंकि अभी इवेंट्स वगैरह किया, उनके वीडियोस वगैरह उन्होंने देखा, तो बोला मतलब अच्छा है यार, इतने लोग आसपास आगे पीछे चल रहे, तो कुछ तो अच्छा कर रहे हो, तो अच्छा है करो। कौन आता है उधर से पापा सबका कि हाँ यार इनसे बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो? पापा उतना फोन यूज ही नहीं करते पहली बार, कि अब उनको समझ आ रहा है कि हाँ कुछ तो ढंग का कर रहा। पहले वही था कि टाइम पास के लिए, मतलब ऐसे होता ना टाइम पास के लिए कर रहा होगा, एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा, छोड़ देगा। अभी थोड़ा सा पगलाया हुआ है, करने दो इसको। बाकी जब जॉब छोड़ने का हुआ था कि जॉब छोड़ रहे, तो उनको सडनली ये लगा कि भाई अच्छा खासा सैलरी है, क्यों छोड़ रहा है, मतलब उनको अब छोड़ दिया। उसके बाद भी एक दिन ऐसे बैठे हुए तो बोल रहे थे कि तुम इतना शांति से रह कैसे रहे, मतलब क्या हुआ, अरे कल तक तुम्हारा इतना अच्छा सैलरी आ था, आज से खत्म, मतलब कैसे इतना रिलैक्स हो ना। होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 4-5 महीने फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है नहीं। अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी इनकम ही नहीं, अभी आपको दिखा ही नहीं सकता हूँ इससे क्या आ रहा नहीं आ रहा, तो वो चीज था। तो अब सबको पता है क्या है, अब उनको ज्यादा ही पता है अब क्या हो रहा है, अब बता रहा हूँ अभी क्या है रियलिटी, आपको ही पता है इसमें क्या इनकम है, कैसे क्या क्या इनकम है मुझे तो नहीं पता क्या इनकम है डिपेंड करता है देखो इंस्टाग्राम पे, आपको पता है इंस्टाग्राम डायरेक्टली पैसे नहीं देती है, तो जो ब्रांड्स आते हैं वो पैसे देते हैं, तो उसमें भी आप सबका नहीं कर पाओगे। मैं, मेरे पास बहुत आते हैं, उसमें से मैं एक दो का जो सही लगता है, जिनका बजट अच्छा होता है वो कर लिया, बाकी स्किप कर दो। तो इसमें वो कोई फिक्स नहीं है कि हाँ, बाकी फेसबुक से आपका व्यूज के अकॉर्डिंग, फेसबुक से फिर आते हैं, यूट्यूब से आते हैं। यूट्यूब तो अभी मैंने 2-2.5 महीने पहले ही शुरू किया, उसके पहले मैं यूट्यूब देख किया ही नहीं, मतलब कोई ध्यान ही नहीं था। आप स्पॉन्सर किस कैटेगरी से चुनते हैं?
क्या बजट होता है, मिनिमम मैक्सिमम क्या क्राइटेरिया, अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो कैसे करेगा? कैसे अप्रोच करेगा? तो मैंने अभी अभी मैंने जो बाकी क्रिएटर से उनके अकॉर्डिंग मैंने अपना कम ही रखा हुआ है, मतलब मैं बोलता हूँ बाकी नेगोशिएबल रहते हैं तो 4-5 का एक रेशियो डालता हूँ मैं रील के लिए, और 1.5-2 का रेशियो रहता है मेरा स्टोरी का, बाकी उसमें नेगोशिएट कर जैसा आगे से क्या डिमांड है कैसा है। मान लो कि अब उसमें मेरे साइड से कुछ वो रहा कि हाँ टर्म्स एंड कंडीशन कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, या तो आप बजट कम कर लो, मैं उस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ कि वो भी चीज करना है, मान लो कोई लिंक है या फिर कुछ भी, तो मैं अगर उस चीज में वो रेडी हो जाता है तो मैं वो कर लेता हूँ थोड़ा नेगोशिएट करके भी। तो बाकी के क्रिएटर से बातचीत हुई है कि किनका क्या मतलब चार्ज? हाँ मतलब ये जो हमारे 4-5 मिलियन 6 मिलियन वालों से मुझे बात हुई है, और नहीं जिनसे बात हुई है मैंने उनका पता करवाया है, जैसे मैं अपने किसी, हाँ पैसा का तो रखना पड़ता है क्योंकि देखो आप जब जॉब छोड़ के ये सब कर रहे हो तो लाइक हाँ अपना तो एटलीस्ट आना चाहिए कि हाँ अपना खर्चा वर्चा निकले थोड़ा बहुत, ठीक है। आपके पिताजी क्या करते हैं और उनकी कितनी एज है? जैसा आपने बताया कि मोबाइल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं और उनकी कितनी उम्र हो रही है कि वो फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? बेसिकली मैं आपके पिताजी के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो आज के दौर में फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको उन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है फोन में। आपकी फैमिली में कौन कौन है और बाकी के लोगों का कितना सपोर्ट रहा है? मेरी फैमिली में मम्मी पापा भैया भाभी सब लोग हैं। भैया क्या करते हैं? एक भैया गवर्नमेंट जॉब में है, एक भाभी भी गवर्नमेंट जॉब में, एक भैया। सच में आश्चर्य हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपके फादर भी कभी सरकारी नौकरी में थे और आपके भैया भी हैं। आपको कैसे लोगों ने स्वीकार किया एक एज अ कंटेंट क्रिएटर? नहीं जो मेरे भैया थे वो जो गवर्नमेंट जॉब में है तो वो उन्होंने एमसीए तक करा हुआ, पुणे से करा, तो वो भी आईटी में ही थे, बट उनको इंटरेस्ट था कि जैसे मेरे पापा का क्या रहता ना कि जो बच्चे हैं वो आसपास में रहे, जैसे पटना तक उनका लाश होता है पटना, जैसे मैं दिल्ली था तो कुछ ऐसा इमरजेंसी होता था बोलते जल्दी आओ, हमको नहीं पता कितने था, 2-3 घंटे में आओ, चलो ठीक है फ्लाइट से कर जाए, पर उनको लगता है कि एटलीस्ट पास रहेगा तो एक फोन जाएगा तुरंत भाग के आए, आधे घंटे तो उतना ही डिस्टेंस में रहो, ज्यादा नहीं, तो उनको ये चीज पसंद था। और ये चीज जो मेरे से जो बड़े भैया उनको पता था तो उन्होंने ना ट्राई करना स्टार्ट किया कि कुछ इधर ही गवर्नमेंट जॉब में घुसा जाए, तो लकीली उनका हुआ, अभी कोर्ट में है वो, तो अभी वहीं पे अच्छा है उनका। बाकी जो बड़े भैया हैं वो प्राइवेट टीचर हैं यहीं पटना ही में। ये जो आपके ये जो आपके 5 मिलियन अभी रिसेंटली हुए हैं, ये कितने दिनों की मेहनत है और कब अचानक से फॉलोअर्स गेन होने शुरू हुए? तो मेहनत तो जैसा मैंने बताया 2019 से मैंने स्टार्ट करा था, बट जो बैन हुआ फिर स्टार्ट हुआ, फिर मैं डीमोटिवेट हुआ छोड़ दिया, मतलब स्टार्ट नहीं किया, न्यू प्लेटफॉर्म पे नहीं ज्वाइन करा, तो बाकी उधर जो मेरे अप्रैल से पहले तक का जो भी था, क्योंकि एक बार मेरे आईडी पे स्ट्राइक आया था जिसकी वजह से वो पूरा रुक गया था, उस टाइम पे मैं लिपसिंग करता था, बट ये हुआ कि उस टाइम मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ कि हाँ मतलब होता ना कि जितने फॉलोअर्स है उसमें से कम हो रहे हैं, डे बाय डे कम हो रहे हैं, तो फिर भी मेरा जो टारगेट था कि 3 कंटेंट देना मैं देते गया, लिपसिंग वाला ही, ये वाला नहीं, वो लास्ट ईयर की बात है, मतलब लास्ट नहीं, लास्ट ईयर तो 23 हुआ ना, 22 का बात करो, जब मैं जॉब कर रहा था 3-4 महीने बाद वो फिर से, उसका एक 90 डेज का पीरियड होता है, उसके बाद वो चीज हट जाती है, फिर धीरे 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 इंक्रीज होने लगा। ये जो मैं अपने वॉइस में कर रहा हूँ ये लास्ट ईयर मार्च के बाद, मतलब अप्रैल से स्टार्ट किया था, तो ये जो भी है अप्रैल से अभी तक का 8-9 महीने का सफर है आपका। हाँ जी, इसमें मेरा इंस्टाग्राम पे एक आर्टिकल आया था, इंस्टाग्राम वालों ने खुद से वो पब्लिश किया था अपने न्यूज़लेटर पे, जो बहुत जल्दी ग्रो करने वाला एक आईडी जो होता है उसमें मेरा आया था, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी उस समय? अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद कॉन्टेक्ट किए और कुछ डिटेल्स के लिए, और कि लाइक उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आपको उस चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम, तो और करवाना चाहूंगा अगर आगे भी करो तो उन्होंने पब्लिश किया था, तो अच्छा लगा देख के मुझे, फिर थोड़ा सा उसमें होता है मोटिवेट होते हो आप और अच्छा लगता है करने में चीजों को, तो
एक बात मुझे आप बताइए, जब भी कोई रील पे वायरल होता है, टिकटॉक पे वायरल होता है, तो उसे किसी ना किसी इंडस्ट्री से एक्टिंग के लिए जरूर कॉल आता है, कोलैबोरेशन के लिए आता है। आपको किसी इंडस्ट्री से कभी कोई मैसेज, कोई कॉल आया कि आप आके एल्बम कर लो, आप आके मूवी कर लो? हाँ, आप तो दिखने में भी अच्छे हैं। हिंदी में भी आया है और भोजपुरी में बहुत आए हैं अभी तक। हिंदी मतलब बॉलीवुड? बॉलीवुड सॉन्ग के लिए, एल्बम के लिए। किन का? एक नाम मैं बताऊं, मतलब एक एजेंसी के थ्रू आया था, विशाल मिश्रा का। ओके, अच्छा सिंगर है। बट उस टाइम पे ये था ना कि लाइक कुछ बजट को लेके, क्योंकि क्या होता है ना कि आगे से आर्टिस्ट से लोग अच्छा बजट उठाते एजेंसी, और आपको मतलब होता है कि हाँ ये तो अभी इस पे है, रील्स वगैरह कर रहा है, तो इसको अगर मैं इतना भी दूंगा तो कर लेगा। तो मुझे वो चीज पता चला किसी और के थ्रू कि इतना आगे से ले रहा है। अब वो पर्सनल, वो बंदा वो पता नहीं एजेंसी से था, वो पर्सनली था, तो मैंने उस टाइम पे वो नहीं किया। बाकी बाद में फिर अफसोस लग रहा था कि कर लेना चाहिए था, एटलीस्ट नहीं भी देता कुछ, जो भी दे रहा था उसमें कर लेना चाहिए था। बट ठीक है, अब नहीं किया तो उसका अफसोस करके क्या फायदा। बाकी भोजपुरी से आए, बट भोजपुरी के जो जितने भी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत लोग, जैसे कि जैसे मेरी बात होती है नॉर्मली अनुपमा यादव है, पांडे है, या फिर शिल्पी राघवानी, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनसे पर्सनली, मतलब ऐसे एक्ट्रेस से आते हैं, नहीं एक्टर एक्ट्रेस ऐसे बहुत सारे हैं हमारे उसमें होंगे फॉलोइंग लिस्ट में भी, जिनसे बात होती, तो वो लोग मुझे खुद ही उतना नहीं बोलते कि आप भोजपुरी में आओ, क्योंकि मुझे नहीं पता भोजपुरी के अंदर क्या है नहीं है। कभी आपने सोचा उस पे कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि बिहार में हो आप, मोस्टली देखा जाता है? देखो मुझे एक तो ये बोला गया कि अगर ढंग का गाना मिल रहा है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ज्यादा होता है ना कि वल्गर टाइप का, वो मत करो, उससे आपका इम्प्रेशन खराब होगा, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चीज कर रहे हो। अगर आप सिर्फ फिर ये होता है ना, बहुत ही खतरनाक वाले जो गाने होते हैं, अगर मैं उस टाइप का कुछ करूंगा तो आपका एक अलग इमेज जाएगा बाहर, तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो हाँ, इसलिए अगर ढंग का कुछ मिलता है तो करूंगा। भोजपुरी और विवाद का गहरा नाता है, आपको भी पता है, हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होता है, लोग विवादित टिप्पणियां एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं या किसी भी तरीके से विवाद में फंसे रहते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि पहला नाम आपने लिया अनुपमा यादव का, कि आपके दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त मतलब कि बात होती है नॉर्मल, हाँ, जो भी हो, एज अ क्रिएटर, एज अ क्रिएटर, ठीक है। कहीं अनुपमा यादव और बिकू सिंह के रिश्ते टूटने की वजह आप तो नहीं है? मुझे वो सब पता भी नहीं है कि क्या है अंदर। कोलैबोरेशन पे तो पटना में काम किया जा सकता है ना, ऑफर आया ही नहीं, आप करना ही नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ एक दो लोगों का आया था, उनका लाइक बहुत बड़े क्रिएटर का नहीं, नॉर्मल जो 5 लाख 6 लाख समथिंग, तो उन लोगों का आया, बड़ा क्रिएटर तो मुझे अभी तक नहीं आया। कि अच्छा, बड़ा क्रिएटर का क्या परिभाषा है, कौन बड़ा है, फॉलोअर्स वाले या टैलेंट वाले? आपसे पूछना, मैं जानना चाहती हूँ, आपकी बहुत मिलियंस फॉलोअर है, तो आपकी क्या सोच है? मुझे ऐसा लगा कि आप बड़ा क्रिएटर मीन्स की आप फॉलोअर को ही देख के बोल रहे हो कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर का, तो वैसे क्रिएटर तो मेरे पास मतलब ऐसे ऑफर आए हैं, और मैं आपको इसलिए ना बोल रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था आपका पूछने का मतलब वही है, था कि आपके हिसाब से बड़ा क्रिएटर कौन होता है, कौन है, फॉलोवर्स है या फिर जो कंटेंट सही करता है? अच्छा, एक बात बताओ, अभी फॉलोवर्स आप जाके मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी का चेक करो, कम है। अब उनको आप क्या बोलोगे, वो बड़े एक्टर नहीं है भाई? मुझे तो लगता है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर एक्टिंग के मामले में वही लोग हैं, फॉलोवर पे जाने नहीं चाहिए। लेकिन आप देखो तो फॉलोवर्स देखे स्पॉन्सरशिप भी मिलता है, फॉलोवर्स देखे हर कुछ मिलता है, तो फिर कैसे, मतलब ये मेरा कहना नहीं था, ये लोगों का कहना है कि यहाँ टैलेंट को नहीं, यहाँ पे फॉलोवर्स को तवज्जो दिया जाता है, और टैलेंट वाले लोग जो है वो तो मात खा जाते हैं, बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर। मतलब आपको, आपका बोलने का मतलब भी मेरे नहीं, आपको छोड़ के, मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे जिनके लोग हैं जो वाहियात, मतलब कुछ भी, जैसे कंटेंट तो उर्फी जावेद भी बना रही है ना, पता नहीं आपको कैसी लगती है, कंटेंट तो वो भी बना रही है ना, कंटेंट तो वो भी बना रही है, मिलियंस में उसके भी फॉलोअर्स दिन रात बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से वो यूथ को मोटिवेट कर रही है, किस तरीके से स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं दिन रात, और आप भी बना रहे हैं, तो फर्क तो है, लेकिन मैं एक लोगों का जो जनरल परसेप्शन है वो मैं बता रही थी, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि लोग टैलेंट को नहीं देखते हैं और
फॉलोअर्स देख के उसको स्पॉन्सरशिप देते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, दिन रात मीडिया में एकदम मीडियाबाजी होते रहता है, आखिर ऐसा क्यों है? आपकी नजर में एक आइडियल क्रिएटर क्या होना चाहिए? देखो, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर, तो आपको सोशल मीडिया पे एक अच्छा एक ऑडियंस होना चाहिए। अब जैसे मैंने नाम लिया कि पंकज सर है, मनोज सर है, उन लोगों का सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है उतना, बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मूवीज में आ रहे, टीवी पे आ रहे, सिनेमा घरों में आ रहे। अगर यहाँ पे उनका जीरो भी रहेगा तो उनका वैल्यू वही रहेगा। अब मान लो कि जो वहां तक पहुंचा ही नहीं है, अब मेरे अंदर बहुत टैलेंट है और मैं मूवीज में आया ही नहीं अभी तक, तो मुझे तो भाई यही एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, मैं यहीं पे अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया और यहाँ के जो ऑडियंस है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को डिवाइड कर सकते हो, देख सकते हो। तो वही चीज है, यहाँ पे अगर आप ऐसे हो, मूवीज में हो, आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं, फॉलोअर कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मुझे ना इन सब चीज से बिल्कुल एक चीज जानना है, रियल लाइफ कुसुम तो सबको मालूम है जिसके साथ आप वीडियो बनाते हो, रियल लाइफ कुसुम को हमें ये बताओ। कोई नहीं, अभी इन सब चक्रों में पढ़ना बेकार है, तो अभी जो कर रहे हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को पहले बताया जाएगा। ऐसा अगर कुछ होता है इन फ्यूचर आपको पहले बता देंगे। अच्छा, कोई इंसान अगर क्रिएशन के फील्ड में आए, क्रिएटर बनना चाहे, तो उसको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे वो सक्सेस होगा, कितनी जल्दी सक्सेस होगा, उसके लिए कुछ आप टिप्स बताइए उन क्रिएटर। एक तो होता है कि उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज के लिए। ऐसा नहीं कि हम देख रहे कि सामने वाला कर रहा है, फेमस हो रहा है, तो हम भी कर लेंगे, नहीं। अगर जैसे मैंने बताया कि मुझे, मैंने मॉडलिंग करी है, थिएटर कर रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट था, तो अगर इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम लग सकता है बट आप करोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें 100% दोगे। फ्यूचर की क्या क्या प्लानिंग है? प्लानिंग अभी अगर कहीं से ऐसा ऑफर आता है काम का, लाइक रियलिटी शोज वगैरह, वो करूंगा, एंड देन ट्राई करूंगा कुछ टीवी सीरियल्स या कुछ भी ऐसा ढंग का अगर मिलता है तो मैं उसमें काम करने। खुद का कोई प्रोडक्शन हाउस या म्यूजिक एल्बम या म्यूजिक कंपनी? अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हुआ नहीं है, तो अभी ये सब सोचा ही नहीं। अभी मेरा पूरा सोच ही रहता है कि हाँ, लोगों को क्या बेस्ट दे, क्या और कुछ ज्यादा ला सकते हैं, लोगों को ज्यादा खुश कर सकते हैं, अभी मेरा पूरा फोकस उसमें रहता है। बाकी जब मैं बिजनेस माइंडेड हो जाऊँ कि हाँ अब पैसे कमाना है, तब मैं वो सब चीजें सोच सकता हूँ कि हाँ कुछ किया जाए। कंटेंट कैसे क्रिएट करते हो, ये कंटेंट आप क्रिएट करते हो, क्या थॉट प्रोसेस रहता है? थॉट प्रोसेस मेरा बस वही रहता है कि नॉर्मली बात करना है उससे, थोड़ा फनी वे में, थोड़ा एक्सेंट चेंज करके, थोड़ा फनी वे में, ताकि लोगों को सुनने में और बात करके देखने जैसा लगे वीडियो कॉल चल रहा है उस टाइप का। वो बोल रही है फिर मैं बोल रहा हूँ, या वो कुछ कर रही है फिर मैं कर रहा हूँ, तो वो चीज एक मैच होनी चाहिए थोड़ी। ऐसा नहीं है कि मतलब अब वो कहीं और से बोल रही, मतलब होता है ना थोड़ा सा मैच दिखना चाहिए कि हाँ उसी लेवल का ये भी है। आप बहुत ज्यादा लोगों को कनेक्ट मतलब कनेक्ट कर पाते हो, तो बस वही है। रॉकी शर्मा आपका रियल नेम है? हाँ, रियल नेम है, बाकी मेरा जो डॉक्यूमेंट नेम है वो आशीष है। मेरा स्टार्टिंग से रॉकी ही था, बट जब बोर्ड एग्जाम हो रहा था तो उस टाइम पे मेरे भैया ने बोला कि लाइक जब तुम एक सडन एज के बाद वो रॉकी सूट नहीं करेगा, क्योंकि मेरी मम्मी मेरा नाम रखी थी रॉकी, तो स्टार्टिंग से वही था स्कूल में भी। तो मैंने फिर बोर्ड एग्जाम के टाइम पे वो एक नाम ढूंढने की, हाँ ये क्या होना चाहिए, तो चलो ए से देखते हैं, तो आशीष मिला। और उस टाइम पे क्या ही एज था हम लोग का, मतलब नॉर्मल, तो आशीष हाँ ठीक है चलो इसे फॉर्म फिल कर लो, भर दिया वो पूरा मेरा वो नाम। अभी तक अब मैंने जब सोशल मीडिया पे डाला है तब लोगों को पता भी है, तो मेरे घर में जैसे कजन लोग, कजन ब्रदर या वैसा कुछ होता है, उन लोग को भी मेरा वो नाम नहीं पता, जितने लोग जानते हैं सब रॉकी से ही जानते हैं, बट हाँ इधर अब जब डाला है तब लोग थोड़ा थोड़ा जान रहे कि हाँ इसका आशीष भी नाम है। अच्छा, मैं दो चार नाम लूंगा रैंडम, जो आपके दिमाग में ख्याल है वो दीजिएगा, ऐसा कुछ भी मतलब फिल्टर्ड अनफिल्टर्ड टाइप से नहीं है। ओके, पवन सिंह अच्छे सिंगर है, उनका गाना अच्छा रहता है, मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? अच्छा, मतलब उनका स्टार्टिंग से देखे हैं तो उनकी आवाज अच्छी है, मतलब पता नहीं कि अच्छे लेवल के हैं। मुनव्वर फारूकी?
मेरे को नॉलेज नहीं है सीरियसली बताऊं तो। बिग बॉस तो आप देखते हैं? बिग बॉस में बिग बॉस का विनर है इस बार का। हाँ बिग बॉस का विनर है, बट इस बार वाला बिग बॉस मैंने उतना उस लेवल तक मैंने नहीं फॉलो करा। तो हाँ थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी आई थी बीच में कि लाइक कुछ रिलेशनशिप्स को लेके। तो अब मैं पर्सनली किसी के बारे में जानता नहीं हूँ, तो मैं ऐसा अपना राय दे भी नहीं सकता कि हाँ क्या है नहीं। बाकी उनका पर्सनल लाइफ है जो करें। देखो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं अपने वे में कर रहा हूँ, वो अपने वे में कर रही है, कोई गलत या ऐसा नहीं होता। बाकी अब उनकी वो है कि हाँ मैं ये चीज सही कर सकती हूँ, वो कर रही है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो नेहा सिंह राठौर के बारे में क्या ख्याल है आपके? अच्छी है, उनका काम एक्चुअली अच्छा है। इनसे मेन बात करने और मिलने का रीजन बस यही है कि इनका काम मुझे अच्छा लगा जितना मैंने देखा है। बाकी मुझे बहुत ज्यादा इनके बारे में भी नहीं पता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं हुई। तो जितना मुझे नॉलेज है एक अच्छा काम कर रही है बिहार के लिए, तो मैं तो चाहूंगा इसमें आप बहुत अच्छा करो। और अभी बिहार में मुंगेर से निकल के एक लड़की मनीषा रानी बिहार की धरती से निकली और हर जगह बिहार को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो झलक दिखला जाओ, या जहां भी हो जाती है। तो क्या आप भी अगर इतने फेमस हो जाएंगे मनीषा रानी के इतने, या उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे है। आप हैं, लेकिन अगर आप बॉलीवुड तक पहुंच जाएंगे तो क्या आप भी बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप को तोड़ा है, जो लोगों के माइंड में ये रहता है ना बिहारी मतलब ऐसा होगा, इमेज बन जाता है। पर आपको देख के कभी किसी ने ऐसा कहा है कि अरे तुम बिहारी नहीं लगते हो या बिहार से हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको किसी ने कहा है तुम बिहार से लगते नहीं हो? हाँ जब मैं दिल्ली रहता था तो जैसे मैं जिम में हूँ या ऑफिस में हूँ तो लोग बोलते नहीं है कि मतलब तुम, जैसे मैं बताता हूँ कहाँ से, बिहार से, झूठ बोल रहा है। ज्यादा लोग उधर पंजाब से हो गए, महाराष्ट्र से हो गए, मैं कह नहीं भाई बिहार से हूँ, गाली दे के बताऊँ भोजपुरी में कैसे पता चला तो वो चीज रहता है। बाकी फिर जब मतलब बिहारी मतलब गाली, मतलब गाली देंगे तभी हम कहलाएं कि बिहारी। हाँ मतलब भोजपुरी में बात करें तब या फिर, तो जरूरी नहीं है, तो जैसे मेरा जो लैंग्वेज है वो आपको पता है मघी है, जो मेरे गाँव से जो बोला जाता है, तो जरूरी नहीं है कि जो बिहारी है वो भोजपुरी बोलेगा। हमारे साइड भोजपुरी नहीं बोली जाती है, तो हमें भोजपुरी का आइडिया नहीं है, समझ लेते हैं सारा कुछ समझ सकते हैं, बट हम बोल नहीं पाएंगे, तो उसमें वो रहता है। या फिर वो उनको लगता है कि बिहारी मतलब थोड़ा सा वो, बट अब उनको भी पता है, हालांकि वो ये सब चीजें ही बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जो आईएएस आईपीएस होते हैं बिहार से होते हैं, या जो आईटी में भी जो अच्छे अच्छे लेवल पे हैं लोग, वाइस प्रेसिडेंट वीसी वगैरह, वो बिहार से मुझे ज्यादातर दिखते हैं मिलते हैं। तो धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, आने वाले टाइम में बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आप बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं बॉलीवुड? बिल्कुल करेंगे, अभी जो भी बिहार से एक्टर है वो करते ही हैं। मनीषा रानी तो अब होने के बाद बहुत लोग करते हैं, नहीं तो सक्सेस होने के बाद ही मैंने देखा है, लोगों को पहले देखा ही नहीं था, तो जिनको भी मैंने देखा है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को बिहारी बताना, प्राउड फील होता है। और इसमें शर्म क्या है, मतलब इतने भी वो थोड़ी ना है कि हाँ मतलब आतंकवादी थोड़ी ना बिहारी, ठीक है उनका अलग एक सोच है तो वो सोच पे चल रहा है, बाकी जो मेरा है अब मैं जहाँ का हूँ वो तो है ही ना, कहाँ आप छुपा के भी क्या कर लोगे, कोई फायदा है? मुझे ना एक चीज लास्ट में जानना है, जैसा कि आपने बोला कि बिहारी आईएएस आईपीएस ये सारी चीजें, कभी भी सडनली आपके ऊपर प्रेशर पड़ा फैमिली से यार सब कुछ ठीक है, लाख कमा लो करोड़ कमा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकारी नौकरी एटलीस्ट ले लो, हाँ। ये चीजें हुई या फिर इसके चक्कर में आप पड़े हो क्या? ये अभी हुई थी रिसेंटली, जब मैंने जॉब छोड़ा आईटी से तो मैं इधर कर रहा था, तो उस टाइम पे फॉर्म आया था एसआई का, तो मुझे उन लोगों ने ये नहीं बोला कि मतलब इसके लिए तुम्हें तैयारी करनी, तुम फॉर्म फिल कर दो, हुआ हुआ नहीं होगा ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है और अच्छी जॉब है, मुझे लगा ठीक है चलिए करके देखते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है क्योंकि ठीक है ना अच्छा है, तो मैंने करा था बट रिजल्ट नहीं आया मेरा। एग्जाम देने गए थे। हाँ एग्जाम देने गए थे, तो नहीं हाँ, यार सब जो भी आसपास थे या बहुत बहुत लोगों ने वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या था मास्क अलाउ नहीं था, तो गेट तक तो मैं मास्क में गया,
और अंदर बहुत ही इंसल्ट फील हो रहा था क्योंकि वहाँ शूज वगैरह सारा कुछ उतरवा दिए और अंदर जाके फिर पता चलता है कि अरे आप ही हो, आप तो वीडियोस देखते हैं, मैं नंगे पैर बिना मास्क कैसे करा। हाँ भैया, अब मैं उनके सामने बैठा हूँ, एग्जाम दे रहा, एग्जाम क्या ही दे रहा, मतलब बस भाई पढ़ के गया ही नहीं था तो क्या ही दूंगा। अंदाज से ऐसे कलर वलर करके मैं आराम से बैठा हूँ, एक नींद भी ले ली थी वहां पे। तो वो आते ना रिकॉर्डिंग कर रहे होते, पता नहीं अटेंडेंस होता है वो, बोल रहे आप सोए नहीं है क्या दो चार दिन से, आपका आँख ऐसा लग रहा है, मैं अभी सो के उठे हैं। तो क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, अगर मैं पढ़ के गया होता तो आराम से क्वेश्चंस सॉल्व करता, बट नहीं पढ़ के गया था तो फिर मुझे लगा कि कोई ऐसा जग के तीन घंटे ऐसे रंगने से अच्छा है आधे घंटे में उसको कलर करके रखो आराम से। हाँ बोल सकते हैं। आपके वीडियोस में एक कैरेक्टर है विनोद, जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा है, वो है कौन और उसका ख्याल कहाँ से आया? हाँ, तो मुझे जब मैं स्टार्टिंग बनाता था तो ऐसा कोई मैंने रखा नहीं था कि कोई किसी के बारे में बोला जाए या किसी को ऐसा देख के बोला जाए। फिर कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि जरूरत पड़ रहा है कि मतलब किसी से ऐसा ना शेयर करके और तब बोला जाएगी, तो मुझे लगा कि कोई तो होना चाहिए, अब हमेशा कोई होगा तो नहीं, तो मैंने एक नाम सोचा कि लाइक वो चीज है। अच्छा, वो पंचायत वाला भी बहुत लोग बोलते हैं। हाँ, पंचायत वाला भी था, तो वहां से एक विनोद आया था, और विनोद मतलब था मेरे माइंड में, बहुत लोग हैं विनोद के नाम से, तो लगा कि ये बहुत ही कॉमन एक नेम है, तो उस चीज को लाया और थोड़ा फनी लगता है विनोद, तो थोड़ा सा वो चीज आया और बस करना स्टार्ट। कोई एक एक वाक्य, कोई एक डायलॉग करके आप, आपको सुनना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगता है आप जो करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा करते हैं। मान लीजिए कि कोई कुसुम है, कुसुम का कोई है सीन है, मान लीजिए कुसुम के साथ आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक अलग ही मोड होता है। अभी मैं बोलूंगा आपको वो फीलिंग नहीं आएगा करेक्ट, क्योंकि मैं उस गेटअप में नहीं, उस मूड में नहीं हूँ, तो आपको सुन के मजा नहीं आएगा। लेकिन हम तो सुनना चाहते हैं थोड़ा बहुत भी। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वीडियो शूट करके भेजूंगा पर आपके नाम पे। रील वाले तो हम रॉकी शर्मा को देखना चाह रहे थे कुछ सेकंड के लिए। नहीं, उसके लिए मुझे टी-शर्ट शॉर्ट्स में आना पड़ता है। अच्छा, तब मुझे वो फील आता है, वो कैरेक्टर में आते हैं, जोन में जाना पड़ता है, वो थोड़ा सा अलग जोन हो जाता है, क्योंकि करने से पहले मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि हाँ क्या करना है, कैसे बोलना है, और वो भी एक बार में नहीं हो पाता प्रॉपर, तो कभी कभी ये होता है कि 10 बार 12 बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे कर रहे कर रहे। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी ना, कि अगर मुझे लगे कि हाँ इस वीडियो में कुछ लग रहा है कि बनावटी है, स्क्रिप्टेड है, तो वो चीज फिर नेचुरल नहीं दिखेगा, तो वो चीज मैं फिर उसको डिलीट करता हूँ। फिर ऐसा रैंडम शूट करते हो जो ख्याल आ गया दिमाग में? नहीं नहीं नहीं, सोचना पड़ता है उसके लिए, मैं सोचता हूँ। पहले तो स्टार्टिंग में होता था कि मैं लिखता था, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे लिखता था, बट हाँ अब मैं लिखता नहीं हूँ बट सोचता हूँ। और वही चीज है ना कि जो लगे लोगों की हाँ ये स्क्रिप्टेड नहीं है, कभी कभी वो मुझे ही लग जाता है कि लग रहा है कुछ बनावटी चीजें मैं बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, तो वो फिर मैं या तो अगर मैं बना भी लिया, एडिट भी कर लिया, तो मैं उसको अपलोड नहीं करता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे करीब 50 वीडियोज होंगे जो मैंने अपलोड नहीं करा, उस टाइम तक लगेगा कि सही है, जब मैं अपलोड के टाइम पे देखूंगा वीडियो तो मुझे लगेगा कि ये उतना नेचुरल नहीं दिख रहा है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, नहीं करता हूँ। तो भाई देख रहा है विनोद वाले रॉकी भैया को, किसी टैलेंटेड क्रिएटर को जिनकी फॉलोअर्स एकदम जीरो हो, उसको आगे बढ़ाने में आपका क्या मदद होगा, कोई क्या सपोर्ट होगा? मुझे लगता है कि किसी को आप क्या ही सपोर्ट कर सकते हो इस फील्ड में, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं कि मैं उसको काम दूंगा, मैं खुद ही एक क्रिएटर हूं, तो ऑब्वियसली सपोर्ट का मतलब कि हाँ उसको समझा सकते हैं कि लाइक ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि आपसे बात खत्म करें, बात चलते रहे चलते रहे। आखिरकार बिहार की सबसे चर्चित सनसनीखेज युवा हमारे साथ हैं। थैंक यू, इतना आप सोच रहे हो मेरे बारे में, ऐसा समझ रहे हो, अच्छा लग रहा है। समझ नहीं रहा, मालूम है क्योंकि लोग आपको देखते हैं। सबसे बड़ी बात है आपके बारे में कि जो आपका ऑडियंस अगर जून देखा जाए तो जिसको समझ है कुछ भी चीज की, चाहे वो 4 साल 5 साल 10 साल का हो, वहां से लेकर जो 90 साल 80 साल इवन जो पूर्णे वाले जाने ही वाले, मतलब आपकी क्लास है कि हाँ हर एज के लोग आपको पसंद करते हैं,
ऐसे ही बेहतर काम कीजिए आप, और हम क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप तो शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं बहुत सारी की तरफ से। हमारे साथ अभी रॉकी शर्मा थे जो कि फेमस कंटेंट क्रिएटर है, और कुसुम के साथ इनका बहुत ज्यादा वीडियो आता है। तो हेलो कुसुम, हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।